नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हमारे सामने ये प्रश्न आते हैं, हर कोई पूछता है कि हमारी आयु कितनी है। वैसे आयु परमात्मा के अधीन होती है। जन्म मरण ये दो चीज़ें परमात्मा अपने अधीनस्थ रखता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र उसके लिए कुछ इशारा देता है। आयु हमारी तीन प्रकार की होती है, अल्पायु होती है, मध्यम आयु होती है और पूर्ण आयु होती है। अल्पायु 32 वर्ष तक की आयु के लिए अल्पायु कहा जाता है, 64 तक मध्यम आयु होती है, इससे ऊपर जो आयु होती है वो पूर्ण आयु होती है। और कभी कभी बालारिष्ट योग भी होते हैं, जो बचपन में जन्म लेते ही एक साल में, दो साल में, पाँच साल में बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो बालारिष्ट योग होते हैं। इसके अलावा कुंडली के अंदर मार्केस की दशाएं भी होती हैं, जो मृत्यु कारक होती हैं। अगर आपकी आयु अल्पायु है और वहाँ पर आपके मार्केस की दशा आ गई, तो निश्चित है वहाँ पर मृत्यु कारक होगी। आपकी आयु पूर्ण आयु है और आपके छोटी उम्र के अंदर ही मार्केस की दशा आ गई, तो वहाँ पर वो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है। तो ये आयु का शास्त्रीय जो है प्रमाण होता है, देखने का तरीका होता है। लेकिन अब मैं आपको मोटा मोटी रूप से एक मिथुन राशि वालों के लिए कितनी आयु निर्धारित ज्योतिष के अंदर होती है। मिथुन राशि कौन कौन सी होती है? मृगशिरा नक्षत्र के दो चरण, आर्द्रा के चार चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के तीन चरण होते हैं, जिनके अंदर का की कुघड़ छ के को हा, ये नौ अक्षर की एक राशि बनती है, जो कि ये मिथुन राशि है। अब इसके अंदर अगर किसी का जन्म क अक्षर के ऊपर हुआ है, देखिए आपका नाम कुछ भी हो सकता है, ये नाम आपके मनमाने ढंग से रखा हुआ है, लेकिन जो जन्म नक्षत्र के आधार पर जो नाम होता है उससे हमें ये देखना चाहिए और उसी से ये नियम लागू होता है। तो यहाँ पर अगर आपका अक्षर का है, क अक्षर के ऊपर आपका जन्म है, जैसे कि कमल किशोर, तो इस प्रकार का अगर किसी का नाम है, तो उसके लिए यहाँ पर ये बताया गया, शास्त्र ये कहता गया कि ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, कि अक्षर वाला उसके पास धन का अभाव रहता है, और का की कु वो कुत्सित भाषी, ऐसी भाषा जो कि दूसरों को जो है बुरी लगे, इस प्रकार के बोली बोलने वाला होता है। तो का की कु के अक्षर वाला धनेश्वर होता है, धनपति होता है, को अक्षर भाग्यवान होता है। तो का की कु के को और हा अक्षर जब आएगा, तो है अक्षर के अंदर कु घ अक्षर, घ अक्षर वाला जो होता है उसके लिए जो है शास्त्र ये कहता है कि घ अक्षर वाला वो धन धान्य का भोगी होता है। रय अक्षर पर प्राय किसी का नाम नहीं होता, जैसे कि डालू राम प्राय नहीं होता, लेकिन ऐसा व्यक्ति ठीक नहीं होता है। और कु घ ड छह अक्षर, जैसे छगन लाल, तो ऐसा जो है महात्म सिद्धि उसको प्राप्त होती है, और है अक्षर वाला देव गुरु बृहस्पति के समान होता है। अब इन अक्षरों वालों के यानी मिथुन राशि वालों के लिए अब यहाँ पर बताया है कि कष्ट के महीना छठा महीना, छठा वर्ष, आठवां वर्ष, और आठवें वर्ष के अंदर अंग रोग होता है, अठारहवें वर्ष के अंदर नेत्र पीड़ा होती है, और इसके पश्चात जब 11वें वर्ष में और 18 वर्ष में घात, 24, 53 और 63 वर्ष में अल्पायु रोग होता है या अंग रोग होता है, और इनमें से अगर वो बच जाता है तो फिर उसके लिए शास्त्र ये कहता है कि उसकी आयु 85 वर्ष की होती है। पौष के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि और बुधवार आर्द्रा नाम का नक्षत्र का ये संयोग पड़े, तब वो अपनी देह त्यागता है। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए मैंने आपको बताया
बाकी और भी आपको विशेष जानकारियाँ कुछ भी आपको चाहिए तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले करके और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे करके और कुंडली बनवा करके और उसकी पूर्ण जानकारियाँ आप ले सकते हैं। बाकी आप हमारे इस श्री वशिष्ठ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको ज्योतिष से, वास्तु से और धर्म ग्रंथों से संबंधित बहुत सी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें, जिनको आप अपने जीवन में उतार करके और आप उन्नति के पथ पर चल सकें। नमस्कार।